एक्टर से प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने टाइगर को ही क्यों चुना? क्या जैकी इस फिल्म में काम कर सकती थी? किन फिल्मों के लिए फेमस है जैकी भगनानी? Hello and welcome. This is your host Palak Gupta from Bollygraph Studios, and we are back with another interesting video. So let's get started without any delay. लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिल्म इंडस्ट्री में वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि कोई एक्टर प्रोड्यूसर बन गया हो, इसलिए तो आज हम एक ऐसे ही एक्टर से बने प्रोड्यूसर की बात करने वाले हैं जो टाइगर श्रॉफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म गणपत चैप्टर वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें उनका नाम है जैकी भगनानी। जैकी भगनानी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म कल किसने देखा से डेब्यू किया था। इसके बाद इन्होंने कई और फिल्मों में भी एक्टिंग के तौर पर काम किया था, जिसमें अजब गजब लव, फालतू, मोहिनी, यंगस्तान, वेलकम टू कराची जैसी फिल्में शामिल है। हाल ही में उन्हें अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में देखा गया था, जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे, और वहीं लास्ट उन्होंने फिल्म मित्रों में लीड कैरेक्टर की जगह पर देखा गया था। अब अगर बात की जाए इनकी प्रोड्यूसर के तौर पर आने वाली फिल्म गणपत की, तो फिल्म में टाइगर श्रॉफ, क्रीटी सैनन और एली अवराम लीड रोल में नजर आएंगे। जैकी भगनानी इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिससे उन्होंने फिल्म के फर्स्ट लुक के शूट के दौरान ही लोगों के सामने जाहिर कर दिया था। अब बात करें जैकी भगनानी जिससे बैनर के तले फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट को, वो उनके पिता वासु भगवानी की ने शुरू किया था, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर ही है। इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जैकी अपने फादर के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे क्या आपको पता है कि जब एक इंटरव्यू के दौरान जब जैकी से पूछा गया कि उन्होंने इस फिल्म में टाइगर को ही क्यों लिया, दूसरा एक्टर्स को ले लेते या खुद ही इस रोल को निभा सकते थे, तो इस पर उन्होंने कहा कुछ ऐसा जवाब, जैकी भगनानी फिल्म गणपत के जरिए एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ पहली बार काम करने वाली है। उनकी माने तो उन्होंने इस फिल्म के लिए टाइगर को ही आइडियलाइज किया और उन्हें ही चुना, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल को एक ऐसा हीरो चाहिए था जो फिल्म के इस रोल को एकदम बखूबी निभा सके। वहीं अगर बात है उनके इस फिल्म में काम करने की, तो उन्हें लगता है कि वो इस रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाते, शायद यही रीजन था कि उन्होंने ये सब किया। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि जैकी भगनानी का टाइगर को फिल्म के लिए चुनना कितना सही साबित होता है। तो आप लोग हमें बताएं कि क्या आप जैकी की तरह इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमें भी पता चले आप क्या सोच रहे हैं। ऐसे ही कुछ और नई फिल्मों के अपडेट्स हम लेकर आते रहेंगे, उसके लिए आप हमें थोड़ा चीयर अप करें। आपके कमेंट्स और लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते रहेंगे। अलविदा।